स्टूडेंट्स, एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपी सिंह आठिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास फिफ्थ का पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर नंबर फिफ्थ। पांचवी ही क्लास है और पांचवा ही हमारा चैप्टर है आओ खेलें खेल। तो आप कहेंगे चलो जी, नहीं जाना नहीं है कहीं पर, यहीं पर रह करके खेलों के बारे में पढ़ना है, आओ खेलें खेल। ठीक है, तो चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल गया कि चैप्टर का नाम इतना मज़ेदार है, तो चैप्टर कितना मज़ेदार रहेगा हमारा कि उसमें हम खेलों के बारे में जान लेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मुझे कमेंट करके आप ये बता दीजिए कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है। कमेंट करके मुझे ये बता दीजिए कि आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है। फिर गेम से, क्योंकि खेलों का ही तो ये सारा चैप्टर है, तो फिर स्टार्ट करते हैं खेलों के बारे में। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका खेल जो है फेवरेट कौन सा है। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि मुझे क्रिकेट पसंद है, कुछ कहेंगे मुझे कबड्डी पसंद है, कुछ कहेंगे मुझे तो टेनिस पसंद है, कुछ कहेंगे मुझे तो बैडमिंटन पसंद है, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे तो कौन से गेम्स पसंद है, इंडोर गेम्स, यानी कि जो कमरे में बैठ करके खेले जाते हैं, जैसे कि सिंपल सी बात है, लूडो हो गया, कैरम हो गया, चेस हो गया, यानी कि शतरंज। तो ऐसे गेम्स कुछ लोगों को खेलने पसंद होंगे और अनेकों गेम जो है वो हम खेलते हैं, अनेकों नए नए प्रकार के गेम होते हैं और सभी को अलग अलग गेम्स पसंद होते हैं, खेल पसंद होते हैं। तो फिर चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि राजस्थान के कुछ पारंपरिक खेल हैं, तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान के कुछ पारंपरिक खेल रहे हैं। अब आप कहेंगे पारंपरिक खेल कौन से? अब सिंपल सी बात है कि अगर आप क्रिकेट खेलने लगते हो तो क्रिकेट खेलने के लिए आपको बहुत सारा सामान चाहिए होगा। पहले तो बैट चाहिए होगा। बैट और बॉल के अलावा क्रिकेट खेली जा सकती है क्या? नहीं खेली जा सकती, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बैट बॉल ना हो तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी सच बात है ये कि जब थोड़ा सा अगर हम पहले जाएं, जब बच्चों के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि उनके माता पिता जो है उनको बॉल और बैट नहीं दिलाते थे, तब क्या करते थे गांव के बच्चे? एक लकड़ी लेते थे जिसको वो बोलते थे डंडा, और एक छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी ले लिया करते थे जिसको क्या बोलते थे? गिल्ली। और उसे गिल्ली डंडा खेलते खेलते सारा दिन बिता दिया करते थे और वो बड़ा मज़ेदार होता था, ठीक है। तो ये क्यों हुआ था? यानी कि पहले क्या होते थे, पहले वो गेम चलते थे जिसमें ज़्यादा खर्च ना हो, जिसमें ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत ना हो, और ऐसे ही थे राजस्थान के पारंपरिक खेल। यानी कि पारंपरिक खेल जो थे हमारे, ऐसे खेल थे जिसमें हमें ज़्यादा संसाधन जुटाने की ज़रूरत नहीं होती थी, थोड़े बहुत संसाधन हमारे पास होते थे और उनसे हम पूरा इंजॉय किया करते थे खेल का, ठीक है। जैसे मारदड़ी हो गई, कपड़े पर कपड़ा लपेट करके कपड़े की बॉल बना ली जाती थी और उसे एक दूसरे को खूब पीटा जाता था, ठीक है। तो इस तरह के खूब सारे आपने पारंपरिक खेल खेले होंगे। राजस्थान के पारंपरिक खेल कौन कौन से हैं अगर बात की जाए तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले नाम आता है मारदड़ी। मारदड़ी के बाद दूसरा नाम आता है सितोलिया। सितोलिया में क्या होता है, एक हमारे पास कोई भी बॉल होनी चाहिए और बॉल के साथ हमारे पास छोटे छोटे पत्थर होने चाहिए, 7 पत्थर होते हैं इसमें, और बॉल को वो मारता है, पत्थर इधर उधर खिलर जाते हैं और पत्थरों को, जिसने बॉल से पत्थरों को खिलारा उसको फटाफट से पत्थर जो है जचाने होते हैं। अगर पत्थर जच गए तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे जो लोग हैं वो उसे बॉल मारेंगे और आउट कर देंगे। तो ये सारा चीज़ हमने देख रखा है। तो राजस्थान के अलग अलग हिस्से में कई खेल अलग अलग तरीक़ों से खेले जाते हैं, जैसे मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा। और मान लीजिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है खेलने के लिए, तो आपका एक तो परफेक्ट गेम है कौन सा? छिपा छिपाई, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा गेम कौन सा हो जाएगा? छिपा छिपी। और अगर छिपा छिपी भी नहीं खेलना चाहते, यानी छुपने के लिए स्थान नहीं है, तो सबसे फेवरेट गेम कौन सा होता है फिर? पकड़ा पकड़ी, यानी कि एक दूसरे को पकड़ते रहो। यानी कि अगर संसाधन नहीं है ना, तब भी हम इंजॉय कर सकते हैं राजस्थान के पारंपरिक खेलों से। देखिए, ऐसे खेल थे जिनमें ज़्यादा कुछ अपने को जुटाने की ज़रूरत नहीं होती थी, फिर भी आज भी ये गेम जो है ना बहुत ही मनोरंजन वाले होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। उसके बाद है, ये तो हो गए ऐसे गेम जो बाहर खुले आंगन में भाग दौड़ करके खेले जाते थे। कुछ ऐसे खेल भी थे जो आंगन में बैठ करके आराम से खेले जाते थे,
जो आंगन में बैठ करके आराम से खेले जाते थे वो कौन से हैं? वो है चरभर। चरभर, और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने चरभर ना खेला हो। और अगर आपने सच में नहीं खेला है तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार गेम होता है चरभर। ठीक है, तो चरभर हो गया। इसके अलावा चौपड़ हो गई, चौपड़ ये भी एक खेल होता है। सिंह बकरी हो गई, यानी कि एक शेर होता है और बकरी होती है, सिंह बकरी हो गई। और इसी के अलावा अष्टाचंग हो गया, अष्टाचंग। तो ये है हमारे राजस्थान में खेले जाने वाले पारंपरिक खेल, यानी जो हमारी परंपरा है, पुराने समय से ये खेले जा रहे हैं। राजस्थान के लोग इन गेम्स को, इन खेलों को ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। करते हैं या नहीं करते, आप जानते हैं, आपने इन गेमों को खेला होगा। अब देखिए, ये तो खेलों की बात हो गई, कुछ मुख्य त्योहारों पर भी ये खेल आयोजित किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मेवाड़ साइड में राजस्थान के अंदर, मेवाड़ के अंदर जब मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति का जब त्यौहार आता है, तब कौन सा गेम खेला जाता है? तब खेला जाता है सितोलिया। तब सितोलिया खेलते हैं सारे मकर संक्रांति के दिन, ये खेलना अच्छा माना जाता है उस दिन। सितोलिया खेलते हैं सारे मकर संक्रांति के दिन। और मारवाड़ साइड में और लगभग पूरे राजस्थान में आपको पता है कि पतंगबाजी उत्सव मनाया जाता है और पतंगबाजी की जाती है, आपको पता होगा। पतंग उड़ाने का बड़ा ही अपना ही अलग ही मजा होता है, ठीक है, और सारे पतंग उड़ाते हैं उस दिन, ठीक है ना। सारे इकट्ठे हो करके खूब उस समय पर नाच गाना होता है, पतंगबाजी करते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं पतंगबाजी की। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये थे राजस्थान के पारंपरिक खेल। अब अगर देखा जाए कि भारत में मुख्य रूप से आजकल कौन से गेम चल रहे हैं, अगर देखा जाए तो भारत में आजकल मुख्य रूप से दो ही गेम चल रहे हैं। टीवी पर आपको मुख्य रूप से कौन से गेम दिखाई देते हैं? दो मुख्य, दो, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे दिखाई देते हैं, मुख्य रूप से जो मेन दो गेम आजकल चल रहे हैं वो दो ही है। पहला तो आपको पता ही है कौन सा होगा, क्रिकेट होगा, और दूसरा आपको पता है कौन सा होगा, कबड्डी होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि एक तो गेम है हमारा कौन सा, एक तो गेम है क्रिकेट और दूसरा है कबड्डी, जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है ये दोनों गेम हैं। तो अब दो गेम जो भारत में सबसे ज़्यादा खेले जा रहे हैं उनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो आपको पता है कि क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्रिकेट के बारे में तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको पता है और मेरे से ज़्यादा पता है। अब हम जानते हैं कबड्डी के बारे में, ठीक है ना। अगर कबड्डी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि कबड्डी में यूँ होता है ना कि एक टीम इधर होती है और एक टीम इधर होती है, तो बताइए एक टीम में कितने सदस्य होते हैं, एक टीम में कितने जने खेलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि एक टीम में सात जने होते हैं, सात लोग होते हैं। आपको पता है ना, सात खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, इधर भी सात और इधर भी सात, यानी 14 जने एक साथ खेलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। क्रिकेट में आपको पता ही है कि 11 11 होते हैं और जो भी एक्स्ट्रा होते हैं, आपको पता है ये चीज़, ठीक है। तो भारत में आजकल दो गेम मुख्यतः चल रहे हैं, क्रिकेट और कबड्डी। इस तरह से राजस्थान के पारंपरिक खेल भी समझ लिए। तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन कर लिए, दो क्वेश्चन हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे कि राजस्थान के कौन कौन से पारंपरिक खेल हैं बताइए। तो आप बता देंगे कि राजस्थान में मारदड़ी है, सितोलिया है, गिल्ली डंडा है, छिप्पा छिप्पी है, पकड़ा पकड़ी है, और इसके अलावा आंगन में बैठ करके खेले जाने वाले खेल कौन से हैं, चरभर है, चौपड़ है, सिंह बकरी है, अष्टाचंग है। तो ये हमारे खेल हो गए, ठीक है। भारत में मुख्यतः कौन कौन से चल रहे हैं, क्रिकेट है, कबड्डी है। अब कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं एक गेम में, तो भाई सात होते हैं। तो इतनी सारी जानकारी हमने खेलों के बारे में प्राप्त कर ली। अब चलते हैं आगे। अब जितने भी खेल मैंने आपको बताए, यहाँ पर बताए, जितने भी खेल होते हैं वो सारे दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूँ कि जितने भी खेल हम खेलते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। या तो वो बाहर ग्राउंड में खेले जाते हैं, और या फिर वो
अंदर किसी कमरे में आराम से बैठ करके खेले जाते हैं। तो ऐसे गेम, ऐसे खेल जो बाहर खुले मैदान में भाग दौड़ करके खेले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आउटडोर गेम्स या आउटडोर खेल कहते हैं। सॉरी, गेम्स नहीं, हम क्या कहेंगे? खेल कहेंगे, ठीक है, आउटडोर खेल कहते हैं। और ऐसे खेल जो घर के आंगन में बंद कमरे में बैठ कर खेले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनडोर गेम कहते हैं, इनडोर खेल कहते हैं। यानी कि ऐसे खेल जो बंद आंगन में बंद कमरे में कराए जाते हैं उन्हें इनडोर खेल कहते हैं, और ऐसे खेल जो बाहर खुले में करवाए जाते हैं ऐसे खेलों को आउटडोर खेल कहते हैं। अब एग्जांपल लिख लीजिए आप, आउटडोर खेल के एग्जांपल कौन से हो जाएंगे बताइए ज़रा? आउटडोर के तो सारी हो जाएंगे ना, मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपा छिपी, क्रिकेट हो गया, और अनेकों ऐसे खेल हैं जो कि आउटडोर में खेले जाते हैं। इंडोर में आप क्या लिखोगे? इंडोर में आप क्या क्या खेलते हो बताइए ज़रा? जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, घर वाले आपको कहते हैं कि बाहर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है, आराम से यहीं बैठो कूलर के आगे, एसी के अंदर यहीं पर बैठ करके खेलो, तब आप क्या खेलते हो? वो सारे के सारे इंडोर में आ जाएंगे। तब इंडोर में आप क्या खेलते हो? सिंपल सी बात है, या तो आप कैरम खेलोगे, या आप चेस खेलोगे, या आप लूडो खेलोगे, या फिर आप चरबर खेलोगे, या फिर आप चौपड़ खेलोगे। तो ये सारे जो गेम्स होते हैं, ये सारे जो खेल होते हैं वो किस में आते हैं? इंडोर खेलों में। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि इंडोर खेल कैसे होते हैं, तो वे खेल जो बंद कमरे में या आंगन के अंदर खेले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंडोर गेम, इंडोर खेल। और ऐसे खेल जो बाहर जा कर के खेले जाते हैं, खुले मैदान में खेले जाते हैं, ऐसों को क्या कहते हैं? आउटडोर खेल। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब मान लीजिए कभी कभार आपने खेल खेला होगा, तो खेल खेलते समय आपकी किसी से लड़ाई नहीं होती होगी क्या? बिल्कुल, कोई ना कोई चीटिंग करता है, और कोई ना कोई चीटिंग करता है तो आपकी उससे लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई जब हो जाती है, तो अगर मान लो स्कूल में लड़ाई हुई या कहीं पर भी लड़ाई हुई, तो आपका जो भी बड़ा होगा या आपके साथ जो भी बड़ा खेल रहा होगा तो आपको समझाएगा, नहीं नहीं लड़ाई नहीं करनी है, अपने को खेल को खेल की भावना से खेलना है। तो अब आप यहाँ पे माइंड में आएगा आपके कि ये खेल की भावना क्या होती है, खेल की भावना क्या होती है, खेल की भावना क्या होती है। तो जब आपने क्रिकेट देखी होगी, क्रिकेट देखी होगी, तो विराट कोहली जब छक्का लगाता है तो पूरी भारतीय टीम खुश होती है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल, पूरा भारत खुश होता है। भाई इसमें खुश होने वाली क्या बात है? मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि छक्का तो विराट कोहली ने मारा है और बाकी टीम वाले ऐसी खुशी मना रहे हैं, उसकी खुशी का कारण क्या है? तो वो है उनकी खेल की भावना। क्यों है खेल की भावना? क्योंकि सिंपल सी बात है कि 6 रन बनाए तो 6 रन जाएंगे तो उन्हीं की टीम को जाएंगे तो उन्हें खुशी मिलेगी ना, और इसी को कहते हैं खेल की भावना। यानी जब कई लोग एक साथ मिल करके खेलते हैं तो उनके अंदर परस्पर सहयोग की भावना आ जाती है, इसी को कहते हैं खेल की भावना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? कई बार हम क्या करते हैं कि मेरी तो बैटिंग ही नहीं आई, मेरी तो बॉलिंग ही नहीं आई, वो खेल की भावना नहीं होती है। हमें कुल मिला करके एक दूसरे का सहयोग दे करके अपनी टीम को जिताना होता है, यही होती है खेल की भावना। यानी हमें चिटिंग नहीं करनी होती, ना ही हमें किसी से ईर्ष्या करनी होती है, ना किसी से जलना होता है, बस अपना खेलना होता है। और खेल के साथ, क्योंकि देखिए जो हमारे विरुद्ध खेल रहा है, हो सकता है वो हमारा भाई हो, हमारा भाई भी तो कई बार अगली यानी कि दूसरी टीम में चला जाता है, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं कि दूसरी टीम वाले हमारे दुश्मन हो, दुश्मन कभी नहीं होते, सभी दोस्त ही तो मिलकर के खेलते हैं ना। तो इसका मतलब खेल को खेल की भावना से खेलते हैं, सामने वाले को दुश्मन नहीं मानना, ठीक है। तो इसी को कहते हैं खेल की भावना, यानी एक दूसरे के सहयोग से खेलना होता है कभी भी, ठीक है, क्योंकि ऐसे खेलते हैं तो नुकसान हमारा ही होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अब आओ खेल खेलने में आपने ये समझ लिया कि खेल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से खेल होते हैं। अब खेलों के अलावा, अब सिंपल सी बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमें खेल क्यों खेलने चाहिए, एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद आगे चलते हैं कि हमें खेल क्यों खेलने चाहिए। अब सिंपल सी बात है कि जब भी आप पढ़ाई से बिल्कुल आप 3-4-5 घंटे पढ़ लिए और आपका बिल्कुल बोर हो गए, आपकी पढ़ने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ी देर खेल आता हूँ, वापिस आकर के पढ़ लूँगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि खेल जो है ना वो हमारे दिमाग को खुश कर देते हैं, दिमाग को हल्का कर देते हैं, दिमाग पर जो प्रेशर पड़ा हुआ है उसे
उससे हमें आज़ाद करवा देते हैं, यानी दिमाग को वो क्या करते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, ये चीज़ आपको समझ, प्रफुल्लित करते हैं उसको, ठीक है, खुशी देते हैं हमें, हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है और शरीर सुडोल बनता है और हमारे माइंड में पॉजिटिविटी आ जाती है। आप क्या करोगे, बिल्कुल आप बोर हो गए, आप आधा घंटा खेल करके वापस से पढ़ने लग सकते हो, वापस उसी एनर्जी से लग सकते हो या नहीं लग सकते, तो ये एनर्जी किससे आई, आपको खेल खेलने से आई। तो यानी नई ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में होता है, किसकी वजह से, खेलों की वजह से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि हमें खेल क्यों खेलने चाहिए, तो आप इसका आंसर दे दोगे कि हमें जो है खेल इसलिए खेलने चाहिए क्योंकि खेल जो है हमें बहुत फ़ायदा देते हैं, खेल हमारा मनोरंजन करते हैं, खेल खेलने से हमारा शरीर सुदृढ़ स्वस्थ तथा सुंदर बनता है, खेल हमारे शारीरिक व बौद्धिक विकास में सहायक होता है। शारीरिक विकास, सिंपल सी बात है कि जब आप उछलोगे कूदोगे तभी तो आपका कद बढ़ेगा, और बौद्धिक विकास यानी कि सिंपल सी बात है, हमारा दिमाग खुश रहेगा, हमारे दिमाग को खुशी होगी तभी तो हमारा दिमाग विकसित होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं कि खेलों के अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ होती हैं योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज। तो इनके बारे में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं, और ये बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट जो रहेगा योग वाला, ठीक है, उसमें आप बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने वाले हो। तो आइए फिर अब हम जानते हैं योग के बारे में। अब देखिए आजकल लोग जो है ना अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक है, लोग आजकल अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक है, और आपको पता है कि स्वास्थ्य के लिए योग भी जो एक लोकप्रिय चीज़ मानी जाती है, क्योंकि योग करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य का लाभ मिलता है हमें, ये चीज़ आपको पता है, यानी रोगों से निजात मिलती है, जो काम खेल करते हैं वही योग करता है। योग हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाता है, योग कंसंट्रेशन यानी कि हमारी जो है यानी कि किसी चीज़ पर हमारा ध्यान कितना रहेगा, हमारा इधर उधर ध्यान भटकता नहीं है, ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, हमारे शरीर में सकारात्मक सोच विकसित करता है, ठीक है, तो ये सारे काम जो है वो योग करता है। जैसे कई सारे योग के नाम भी आपने सुने होंगे, जैसे कि योगासन है बहुत सारे, जैसे ताड़ासन है, ठीक है, ताड़ासन के बाद आपने कई सारे नाम सुने होंगे जैसे पद्मासन है, ठीक है, पद्मासन है। इसके अलावा आप ये कह सकते हो जैसे जैसे कि हम कह सकते हैं पवन मुक्तासन है, सूर्य नमस्कार है, पवन मुक्तासन है, और इसके अलावा आपका सूर्य नमस्कार है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये सारे योग के एग्जांपल हो गए, और योग क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है, ये कई सारी योगासन हम करते हैं तो इनको यहाँ पर जो है दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनके बारे में आप जानकारी एकत्रित कर सकते हो। जैसे आपके स्कूल में ही कई बार सूर्य नमस्कार करवाया जाता होगा, सूर्य नमस्कार स्कूलों में करवाया जाता है कई कई बार, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिएगा इसको, एक चीज़ है यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि सूर्य नमस्कार क्या होता है। तो सूर्य नमस्कार में क्या होता है कि कई सारे योगों का एक क्रम होता है, यानी कि उसी क्रम में ये होता है, एक के बाद एक जो है एक क्रम होता है, उसी में ये जो है योगासन किए जाते हैं, उनका जो क्रम होता है उसी को क्या बोलते हैं, सूर्य नमस्कार बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी सिंपल सी बात आप कहेंगे कि सूर्य नमस्कार क्या होता है, एक निश्चित क्रम में किए जाने वाले विभिन्न योगासनों के समूह को, यानी कि यहाँ पर कई सारे योगासन किए जाते हैं और वो किस में किए जाते हैं, क्रम में किए जाते हैं, ठीक है, एक क्रम में किए जाने वाले योगासनों का क्या होता है, समूह होता है, यानी कि कई सारे योगासन होते हैं जो एक के बाद एक फिक्स होता है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसे होते हैं, उनका जो समूह होता है उसी को क्या कहते हैं, सूर्य नमस्कार। तो आपने सूर्य नमस्कार जो है कहीं ना कहीं करते हुए लोगों को देखा होगा या किया होगा, ठीक है, तो आपको पता है सूर्य नमस्कार के बारे में। अब जानिए थोड़ा सा इसको, योग दिवस के बारे में आपने सुना होगा। अब देखिए थोड़ा सा कि 21 जून 2015 को पूरे विश्व के लोगों ने अनेक देशों के लाखों लोगों ने एक साथ मिल करके योग किया था। किस दिन किया था, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 21 जून 2015 को विश्व के कई देशों के लाखों लोगों ने
योगासन करके योग दिवस मनाया था। तो पहली बार योग दिवस कब मनाया था? योग दिवस मनाया था 21 जून 2015 को। और इसके बाद हर 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। तो यानी कि आपको पता चल गया कि योग को पूरे विश्व के कई देशों के लाखों लोगों ने योग को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक महसूस किया है। उनको लगा है कि हाँ, योग करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। और इसी की वजह से 21 जून 2015 को पहली बार पूरे विश्व के लोगों ने एक साथ योग दिवस बनाया था। कब? 21 जून 2015 को। और तभी विश्व की एक संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें कई सारे देश आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की एक संस्था है, कई देशों ने मिलकर के एक संस्था बनाई हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि इंटरनेशनल, पूरे विश्व का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया। यानी ये केवल भारत का ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। यानी कि इस दिन पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप फटाक से उत्तर दे देंगे 21 जून को मनाया जाता है। और आप कहेंगे कि पहली बार योग दिवस पूरे विश्व में कब मनाया गया, तो आप कहेंगे 21 जून 2015 को मनाया गया। और आपने भी ये मनाया होगा। आप जो भी क्लास में रहे होंगे, बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन आपने ये मनाया जरूर होगा अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपने पिछले साल मनाया होगा 21 जून को। ठीक है, और आगे भी हम मनाएंगे जब भी हमारे स्कूल लगेंगे। ठीक है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे हम कितनी तारीख को? 21 जून को। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? तो योग के बारे में समझ में आ गई, योग दिवस समझ में आ गया। ठीक है, योग में ताड़ासन समझ में आ गया, पद्मासन समझ में आ गया, पवन मुक्तासन समझ में आ गया, और सूर्य नमस्कार समझ में आ गया। आजकल जो आपको पता है कि भारत में सबसे बड़े योग गुरु किसको माना जाता है, तो आपके नाम आ जाएगा बाबा रामदेव को माना जाता है। कौन से बाबा रामदेव? कौन से? पतंजलि वाले, है ना। तो इन्होंने एक योग बनाया जिसका नाम है अष्टांग योग। कौन सा योग बनाया? अष्टांग योग। और ये जो अष्टांग योग है ना, ये 8 योगासनों का समूह है। कितने योगासनों का समूह है? 8 योगासनों का समूह है अष्टांग योग, जो किसने बनाया है? पतंजलि वालों ने चलाया है, जिसके जो है गुरु कौन है? रामदेव बाबा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ऊपर वाला आपसे ये पूछा जाएगा कि पतंजलि द्वारा जो अष्टांग योग चलाया गया है, वो यानी कि उसमें कौन कौन से योगासन आते हैं, उसमें कौन कौन से आसन आते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन कौन से आसन आते हैं, तो आप फटाफट से आंसर दे दीजिएगा कि इसमें 8 चीज़ें होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है यम। फटाफट से नोटबुक निकाल लीजिए और फटाफट से एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि पतंजलि के अष्टांग योग में यम पहला हो गया, यम दूसरा हो गया, नियम लिस्ट बना लेते हैं, यम नियम, तीसरा हो जाएगा आसन, यम नियम आसन, इसके अलावा प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारे आसन हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। धारणा ध्यान और समाधि, समाधि का मतलब होता है अपने आप में खो जाना। ठीक है, समाधि, ये 8 जो हैं इसमें समाहित हैं। ये 8 चीज़ें अष्टांग योग में समाहित है, और ये किसके द्वारा लाया गया? पतंजलि के द्वारा।
ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये चीज़ आप चाहे छोड़ दो, ये चीज़ चाहे आप छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अभी आपने क्या याद रखना है कि पतंजलि में जो अष्टांग योग होता है ना, उसके अंदर 8 चीज़ें होती है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये जो है 8 चीज़ें होती है एक ही योग में होती है, जिसका नाम है अष्टांग योग। यानी अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं, कौन कौन से तो पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कि अष्टांग योग के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है, तो अब हमारे सामने है कि आप जब आप गेम खेलते हो या जब आप खेल खेलते हो या जब आप योग करोगे तो आपकी सांस चढ़ जाएगी, तो आपकी सांस चढ़ जाएगी और आप जोर जोर से सांस लेने लगोगे। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जब आप सांस अंदर लेते हो तो क्या आपकी छाती फूलती है क्या? अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप क्या करो, एक कोई भी आपके पास मापने का कोई भी मीटर वगैरह होगा, कोई भी आपके पास जो भी किसी भी चीज़ से आप किसी फीते से भी माप सकते हो, क्या कीजिए कि पहले तो सांस को बाहर छोड़ करके अपनी छाती की चौड़ाई माप लीजिए, उसके बाद सांस को अंदर ले करके उसके बाद छाती की चौड़ाई मापिए। आप देखेंगे कि जब सांस अंदर होता है ना तब हमारी छाती फुली हुई रहती है, क्योंकि हमारे अंदर सांस है, ठीक है। और सांसों का यही आना जाना जो होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? खेल की वजह से होता है, ठीक है। जब सांस अंदर आए जाएंगे तो हमारे जो फेफड़े हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, प्रैक्टिस होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा सही रहती है। सिंपल सी बात है ना कि अगर मशीन है उसको बिना काम करे कई दिन कबाड़ में छोड़ दिया जाए, एक साइड में छोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें जंग लग जाएगा और वो कम चलना शुरू हो जाएगी। यही तो है ना, आप अपनी साइकिल को एक काम कीजिए, साइकिल को महीना ऐसे ही छोड़ दीजिए, चलाइए मत, तो एक महीना बाद जब आप साइकिल चलाने लगोगे तो वो साइकिल अड़ अड़ के चलने लगेगी ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, पहले जितनी अच्छी नहीं चलेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो उसी तरह से हमारा शरीर होता है। शरीर को हम जितना प्रैक्टिस करवाएंगे, जितनी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एक बात बताइए कि हमारा जो यानी कि हम जो सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, हर व्यक्ति सांस लेता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक मिनट में कितने सांस लेता है, यानी कि कितनी बार सांस लेता है। अब आपके माइंड में जब ये क्वेश्चन आए ना तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक मिनट टाइम देखो और अपने यहाँ पर हाथ रख के, फेफड़ों पर हाथ रख के, या फिर सिंपल सांस ले रहे हो तो गिन करके देखो कि मेरा सांस कितनी बार बाहर जा रहा है या कितनी बार अंदर आ रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक मिनट में आपने कितने सांस लिए। तो मैं आपको बता दूं कि एक मिनट में जो स्वस्थ इंसान होता है वो 15 से 20 बार सांस लेता है, लेकिन जब आप खेलोगे ना तो ये आपकी क्या बन जाएगी, 20 से 25 से 30 बार बन जाएगी, क्योंकि उसमें आप जल्दी जल्दी सांस लोगे, आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन से हमें ऊर्जा मिलती है, ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है ना, क्योंकि हम खेल रहे हैं, ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हम फटाफट सांस लेंगे, सांस ज़्यादा लेंगे तो इसका मतलब ज़्यादा बार हम सांस लेंगे एक मिनट में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो ये कितनी अच्छी जानकारी आपने प्राप्त की। और आप देखिएगा कि आप जो है 15-20 बार सांस ले सकते हो क्या एक मिनट में, या उससे ज़्यादा लेते हो या उससे कम लेते हो, तो गिन करके ज़रूर देखिएगा। और जब भी आप गेम खेलो ना, मेरे ये बात ध्यान दीजिएगा कि गेम खेलते समय आप सांस गिनिएगा कि आप 15-20 से ज़्यादा बार ले रहे हो क्या। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये था बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कि विद्यार्थियों के या बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए यानी उत्कृष्ट विकास के लिए जो है खेल बहुत ज़रूरी होते हैं। खेल, योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो खेलना चाहिए आपको, ठीक है ना, लेकिन कौन से गेम खेलने चाहिए जिससे हमारे शरीर को थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि एक्सरसाइज होती है, हमारी भाग दौड़ होती है हमारे शरीर की, हमारी सांस फूलती है। क्योंकि आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, आजकल बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, तो ऐसे गेम्स खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। गेम कोई बुरा नहीं है, लेकिन हमें ऐसे गेम खेलने चाहिए
जिससे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट हो, शरीर स्वस्थ रहे। अगर आप मोबाइल से ऐसे गेम खेलोगे तो आपको सिवाय बीमारियों के कुछ नहीं लगेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? हाँ, कुछ समय के लिए आप खेल सकते हो, लेकिन ज़्यादा समय के लिए अगर आप ये गेम खेलते हो तो आपके शरीर में बीमारियाँ आ जाती हैं, आपकी आँखें खराब हो जाती है, ऐसा आप मान करके चलिए। इससे तो अच्छा है कि आप वो भाग दौड़ वाले गेम खेलिए, पकड़ा पकड़ी खेलिए, और दूसरे लोगों से आप मिलेंगे, आप नए नए दोस्त बनाएंगे, तो आपको कितना मजा आएगा दोस्तों के साथ जब आप खेलते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चैप्टर हमारा आओ खेलें खेल पूरा खेल से ही रिलेटेड था, इसमें हमने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, जो भी था आपके सामने था। तो होपफुली चैप्टर आपको समझ में आया होगा, बड़ा ही अल्टीमेट तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो फटाफट से, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।